हेलो गाइस, तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में 5 WWE के मैचेस के बारे में बात करेंगे, जब एक WWE लेजेंड ने किसी एक नए रेसलर को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश करी लेकिन उसका उल्टा असर हो गया। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नंबर 1, रैंडी ऑर्टन पुटिंग ओवर जिंदर महल। ऑर्टन का पूरा कैरियर ही दूसरे रेसलर को आगे बढ़ाने से बना है। ऑर्टन ने पिछले 15 सालों में रेसलिंग की दुनिया को ये दिखा दिया है कि वो रिंग में अपने बारे में कभी नहीं सोचते और कुछ हिस्सों को छोड़कर उन्हें कभी भी किसी और रेसलर को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। 2017 में WWE जिंदर महल को कार्ड में ऊपर पुश करना चाहती थी और बैकलेस इवेंट में वो चाहते थे कि जिंदर ऑर्टन को हरा कर WWE टाइटल अपने नाम करे। और ऑर्टन ने जिंदर का सपोर्ट सिर्फ एक बार ही नहीं किया बल्कि कई अलग अलग पेपर व्यू में इवेंट में उन्होंने जिंदर महल को आगे किया है। यहाँ तक कि जब सब लोग यही कह रहे थे कि जिंदर मेन इवेंट सीन के लिए अभी तैयार नहीं है, फिर भी ऑर्टन ने उन्हें पुश करने की बहुत कोशिश करी। दिक्कत ये थी कि महल सच में मेन इवेंट के लिए तैयार नहीं थे और फैंस को भी ऐसे रेसलर में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो कुछ हफ्तों पहले ही बस एक एनहांसमेंट टैलेंट थे। अब बात करते हैं नंबर 2, क्रिस जेरिको पुटिंग ओवर फैंडांगो। रेसलमेनिया 29 में क्रिस जेरिको और फैंडांगो का मैच बुक करने के पीछे WWE का सिर्फ एक ही इंटेंशन था और वो था रोस्टर पर एक नया हील कैरेक्टर लाना। क्रिस जेरिको ने फैंडांगो को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और हालांकि इस मैच के बाद फैंस को फैंडांगो को एक विलन समझना चाहिए था, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा ही हो गया। WWE फैंस को अचानक ही वो पसंद आने लगे और यहाँ तक कि अगली रात होने वाले रॉ इवेंट में भी फैंस उनका थीम सॉन्ग गाते रहे। WWE का प्लान बिल्कुल उल्टा पड़ गया और उन्हें मजबूरन फैंडांगो के किरदार को एक नई डायरेक्शन में ले जाना पड़ा जैसे कि फैंस चाहते थे। इस बात से विंस मैकमैन को बहुत गुस्सा आया होगा क्योंकि वो उन फैंस से नफरत करते हैं जो उनके क्रिएटिव डायरेक्शन को बदलने पर मजबूर करते हैं। चलो बात करते हैं नंबर 3, केन पुटिंग ओवर अल्बर्ट। गाइस, ऑर्टन की तरह ही केन भी एक ऐसे WWE लेजेंड है जिन्हें किसी और रेसलर को आगे बढ़ाने में कभी कोई दिक्कत नहीं रही है और इसीलिए 2001 में WWE ने केन का मैच बुक किया जिसमें वो अपना इंटरकॉन्टिनेंटल मैच अल्बर्ट से हारने वाले थे। WWE अल्बर्ट को कार्ड पर ऊपर पुश करने के लिए प्लान्स बना रही थी और उनका मानना था कि जब अल्बर्ट केन से वो टाइटल जीतेंगे तब वो कंपनी के एक नए स्टार बन पाएंगे। फैंस अल्बर्ट को कंपनी के इतने अहम रोल में नहीं देखना चाहते थे और जब अल्बर्ट ने केन के कंधों को मैट पर पिन किया तब भी फैंस ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई जैसे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। WWE को लगा था कि अल्बर्ट के लिए एक बड़ा मौका होगा लेकिन इतना ठंडा रिस्पॉन्स देखने के बाद उन्हें नए आइडियाज के बारे में सोचना पड़ा। हालांकि अल्बर्ट कंपनी के सबसे बड़े टाइटल्स में से एक जीत गए थे लेकिन उनकी मैच बुकिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था और उनका पूरा WWE कैरियर उनका ये इकलौता टाइटल रेन बस कुछ ही हफ्तों तक चला था। चलो बात करते हैं नंबर 5, द रॉक पुटिंग ओवर गोल्डबर्ग। जब 2003 में WWE ने आखिरकार WCW के स्टार गोल्डबर्ग को साइन किया तब उन्होंने तुरंत ही उनको अपने सबसे बड़े स्टार द रॉक के साथ एक फ्यूट में डाल दिया। द रॉक का गोल्डबर्ग के साथ लड़ने का मतलब था गोल्डबर्ग को रॉक की जिम्मेदारियां देना और इससे WWE फैंस को भी ये पता चल पाता कि WWE गोल्डबर्ग को एक स्टार की तरह ही प्रेजेंट करने वाले हैं। ये मैच 2003 के बैकलेस इवेंट में हुआ था और हालांकि रॉक साफ तौर पर गोल्डबर्ग का साथ दे रहे थे लेकिन मैच के बीच में ही ऑडियंस का रुख बदल गया और उन्होंने पूरे मैचेस में गोल्डबर्ग को बू करना शुरू कर दिया। द रॉक का हॉलीवुड परसोना लोगों को इतना ज्यादा पसंद था कि वो रॉक को हर हालत में सपोर्ट करते थे और गोल्डबर्ग को रॉक जैसे रेसलर के साथ 14 मिनट मैचेस में बुक करने से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। अब बात करते हैं नंबर 5, ट्रिपल एच पुटिंग ओवर रोमन रिंग्स। रेसलमेनिया 32 की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी जितना फैंस को साल के सबसे बड़े इवेंट से उम्मीद होती है। WWE में उस साल बहुत सारे इंजरीज हुई थी लेकिन ये इंजरीज भी उनके एक खराब मेन इवेंट करने में नहीं रोक पाई। इस मेन इवेंट में सेमी रिटायर हो चुके ट्रिपल एच ने एक WWE टाइटल मैच में रोमन रिंग्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। फैंस ने इस मैच को बहुत नेगेटिव रिएक्शन दिए। WWE के फैंस को रोमन रिंग्स के बेबी फेस वाले किरदार में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और इसलिए रोमन रिंग्स और ट्रिपल एच का मैच मेन इवेंट में कोई नहीं देखना चाहता था। इस मैच में फायदे से ज्यादा नुकसान ही हुआ था और इसके बाद रोमन रिंग्स का दिल जीतने के लिए और भी मेहनत करनी पड़ी थी और ये सब सिर्फ WWE की लापरवाही और एक अजीब बुकिंग की वजह से ही हुआ था।